प्रभु नमस्कार। आज आपके लिए प्रेरणा दायक कहानी लेके आ रहा हूँ। सब में सभी देखते हैं और सभी के सपने किस प्रकार से साकार होते हैं या सफलता क्या होता है उसके लिए किस्सा याद आता है कि एक बार की बात है, तीन पेड़ आपस में अपने सपनों के बारे में बात कर रहे थे कि तू क्या बनेगा, तू क्या बनेगा। पहले पेड़ ने कहा कि यार मैं बहुत हल्का हूँ, लाइट वेटेड हूँ, तो मैं एक नाव या एक जहाज का हिस्सा बनना चाहूंगा जिसकी प्राचीर में खड़े होके कोई राजा बहुत बड़ा सा ऑर्डर दे कमला कर। बोले मेरी इच्छा ये। दूसरा पेड़ कहता है कि मेरी इच्छा है कि मेरी लकड़ी बहुत सॉलिड बहुत मजबूत है, मैं एक संदूक बनना चाहूंगा जिसमें दुनिया के सबसे कीमती हीरे जवाहरात मोती रत्न वो सब रखे जाएं और मैं उसकी सुरक्षा करूं और मैं दुनिया का सबसे भगवान व्यक्ति रहूं। तीसरा पेड़ दोनों की बातें सुन रहा था और वो कहता है कि मेरे पास ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जो आपके पास है, मैं बहुत ही भारी हूँ, बहुत ही सूखा से स्वभाव का हूँ, बहुत ही कड़क हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी मंदिर का पिलर हूँ ताकि उसकी छत को जब तक जिंदा रहूँ तब तक संभाल के रहूँ। मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ तो मैं धर्म के काम आना चाहता हूँ, मैं किसी युद्ध नहीं चाहता, कोई रथ नहीं चाहता। इस प्रकार की बातें होते होते एक समय ऐसा आया कि लकड़हारे आए और सभी पेड़ों को काट कर ले। अब यहाँ से होते हैं सपने शुरू। इस प्रकार से आप सभी बैठे हैं अपने सपने लेकर, कभी ना कभी आपका भी वक्त आएगा। एक दिन वक्त आया पहले पेड़ का, एक ग्राहक आया और वो कहता है कि मुझे लकड़ी चाहिए नाव बनाने के लिए। तो हुआ वही कि नाव वाले का वक्त आ गया, उसने लकड़ी चूज करी, सबसे हल्की सबसे मजबूत सबसे बेहतरीन, घर ले गया। घर ले जाने के बाद उसने उस लकड़ी को काटा, एक राफ्टर वाली यात्रियों को इस किनारे से उस किनारे वाली नाव में उस लकड़ी को तब्दील कर दिया। वो रोने लगा कि क्या किस्मत थी मेरी और क्या कर दिया इसने। खैर छोड़ो, नाव तो बनाया, इच्छा तो थी। समय बीतता गया, वो नाव यात्रियों को इस किनारे से उस किनारे ले जाती रही। फिर आया वक्त दूसरे पेड़, वही हुआ। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे लकड़ी चाहिए, तो उसने कहा पसंद कर लो। वो लकड़ी थी संदूक वाली, वो उसको ले गया लोड करके। हुआ ये कि जब वो उसे अपने गांव ले गया, उसने उसको काटा, उसके पटिए बनाए, बहुत ही भद्दा सा एक बक्सा बनाया और उसमें सूखला गायों को खिलाने का चारा भर दिया और उसको ठाड़ में छोड़ दिया गया। वो रोने लगा कि क्या करा, संदूक तो बनाया पर सूखला भर दिया, किस्मत में मेरे हीरे मोती चाहे थे उन्होंने सूखले दे दिया मुझे। खैर कोई बात नहीं, उसे संतुष्टि करी कि ठीक है जो भी है ठीक है। तीसरा पेड़ इंतजार करता रहा अपने समय का। इसी बीच एक तूफानी रात में एक गर्भवती महिला उस गांव से गुजर रही थी। प्रसव पीड़ा के कारण उसके साथी ने उसको कहा कि हम यात्रा में हैं, क्या करें। तो उस प्रसव से पीड़ित महिला को उसने गाय की ठाट खुली देखी और वहां पर ले गया, एक बच्चे को उसने जन्म दिया और जन्म के बाद उस माता की मृत्यु हो गई। परंतु उस पिता ने उस गमछे को निकाला, उस लकड़ी के बक्से में जिसमें बुरादा भरा था उसमें कपड़ा बिछाया और उस बच्चे को रख दिया। वो संदूक सोचता है कि हीरे जवाहरात न सही, आज मेरे पास एक बच्चा तो है, चलो कुछ तो दिया खुदा तुले मुझे। अब आगे का रास्ता, वो बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे अच्छी बातें करता है। जिस राज्य में वो रहता था उस राज्य के गवर्नर को वो बालक बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि वो धर्म की बातें करता था। वो अच्छी बातें करता था और लोगों को कहता था कि डरो मत, ईश्वर है। वो सबको आस्तिक बना रहा था और गवर्नर कहता था कि मुझसे डरो, मेरा हुक्म मानो। हुआ ये कि एक दिन वो बच्चा नाव में इस किनारे से उस किनारे यात्रा कर रहा था। समुद्र के पास आती हुई नदियों में लहरें बहुत उठती हैं, तूफान आया, सागर का तूफान दरिया को हिला रहा था, सब यात्री नाव में कांप रहे थे। वो एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ नाव के किनोर को पकड़ के खड़ा होता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा प्लीज तूफान को शांत कर दो, मुझे नींद आ रही है। ये ऑर्डर सुनकर ईश्वर उसके सच्चे दिल की प्रार्थना से उस तूफान को शांत कर देते हैं। सब लोग सोचते हैं वाह चमत्कार हो गया, नाव में खुश की चलो मेरे पास कोई ऐसा बालक तो है जिसने
मेरे नाव को मुझे ऑर्डर दिया, मेरी इच्छा पूरी हुई, बच्चा ही सही, राजा ना सही। बच्चा बड़ा होता है गवर्नर की आंख में और खटकता है, गवर्नर हुक्म देता है कि इस जवान होते बच्चे की जबान काट दी जाए, इसको कोड़े मारे जाए, इसको सरे बाजार घुमाया जाए, राज्य के खिलाफ होना बताया जाए कि क्या होता है, उसे सजा दी जाती है। कहा जाता है कि सबसे भारी लकड़ी इसके कंधे में रखी जाए, इसको सरे बाजार घुमाया जाए। होता वही है, सबसे भारी लकड़ी का समय आ गया है। धार्मिक लकड़ी रो रही है कि मुझे कहां इस पीड़ा का इंसान के पीठ पर लाद दिया है, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ ऐसा हो। उसको कोड़े मारे जाते हैं सरे बाजार, उस लकड़ी के पत्थर को वो घसीटता हुआ, जैसे तैसे चलता हुआ वो आगे बढ़ता है। और होता यह है कि उस लकड़ी के गट्ठर को बीच जो है खड़ा करके उस पर सूली चढ़ा दिया जाता है उस व्यक्ति को। तीनों के सपने थे, तीनों के सपने पूरे हुए, पर उसका अर्थ अलग था। और कहीं नहीं, जीसस क्राइस्ट है जिसे हम ईसा मसीह के नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति सोचता था कि मेरे पास हीरे जवाहरात हो, उसके पास एक बच्चा था जो बहुत ही कीमती था, हीरे जवाहरात ही नहीं लगे तो सपने देखो। जो सोचता था कि मेरे पास एक राजा हो, तो वो राजा से ज्यादा बेहतरीन इंसान उसके पास था। और जो सोचता था कि मैं धर्म के काम आऊंगा, उसके ऊपर साक्षात ईश्वर थे, एक दूत थे। तो इसी प्रकार से आप सभी सपने देखिए, आपके सपने पूरे होंगे, एक दिन जरूर होंगे, उनका रूप अलग होगा। हाउ द शो